नमस्कार, वीडियो नंबर 120 और चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी। सांख्यिकी का दूसरा वर्ड है आंकड़ा शास्त्र। आंकड़ा शास्त्र, आंकड़ा मीन्स डेटा। तो सांख्यिकी की परिभाषा क्या होती है कि गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है सांख्यिकी कहलाती है। इन्स मैथ्स, मैथ्स का वह ब्रांच जिसमें जो डेटा होते हैं उनको एकत्रित करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उनका निर्वेचन करते हैं और कुछ अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके आधार पे? डेटा के आधार पे। डेटा मीन्स आंकड़ा। ओके, तो उन सभी बातों का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है वो शाखा कहलाती है सांख्यिकी। जैसे अपन को किसी सोसाइटी में कोरोना से पीड़ित मरीजों का विश्लेषण करना है, मींस कि इस सोसाइटी में कुल कितनी बिल्डिंग है, उनमें से एक फैमिली में कितने मेंबर हैं, पूरी सोसाइटी के कितने मेंबर हैं, उन कुल संख्या में से जितने भी लोग हैं उनमें से कितने लोग कोरोना की चपेट में आए और उनके रिकवर मींस उनके ठीक होने का एवरेज क्या था, मींस कितने लोग कोरोना की चपेट में आए और उनमें से कितने लोग वापस ठीक हो गए। तो इन सब बातों का अध्ययन करना होगा तो क्या करेंगे, सोसाइटी में जाएंगे, वहाँ पे कोरोना से पीड़ित कितने मरीज हैं उनकी संख्या निकालेंगे, उनमें से कितने मरीज कितने दिन में ठीक हुए, कितने मरीज को ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगा। तो उन सब का अध्ययन करने के लिए जिस शाखा का अपन यूज करेंगे, जिस शाखा के अंतर्गत अपन अभ्यास करेंगे वो शाखा कहलाती है सांख्यिकी। इन सांख्यिकी का अपन दैनिक जीवन में हर जगह पे व्यापक रूप से इसका प्रयोग करते हैं। जैसे किसी क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो क्लासरूम में अगर विद्यार्थियों की ऊंचाई का अध्ययन करना है तो वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, सांख्यिकी के अंतर्गत, क्योंकि उनका डेटा अपन को कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे क्लास टेंथ की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, क्लास टेंथ के बच्चों को अपन बुलाएंगे, उनकी सभी की हाइट मेजर करेंगे और फिर अपन एक कंक्लूजन निकालेंगे कि एवरेज हाइट क्या है। इसी तरह से किसी सोसाइटी में या किसी गांव में नीम के पेड़ कितने हैं या किसी भी कोई सा भी पेड़ की अगर जानकारी प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेटा एकत्रित करना पड़ेगा। गांव में जाएंगे या सोसाइटी में जाएंगे, वहां पे नीम के पेड़ कितने हैं उनकी काउंटिंग करेंगे और फिर उनसे अपन जो भी अपन को माहिती या जानकारी एकत्रित करना है उन डेटा के आधार पे जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो अभी देखो कि गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है सांख्यिकी कहलाती है। सांख्यिकी में आंकड़ों को एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना और उनका निर्वचन करना आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी का हमारे दैनिक जीवन में व्यापक रूप से प्रयोग होता है, जैसे मैंने आपको समझाया। ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल अपन ने लिखे हैं कि जैसे किसी कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई का अध्ययन करना, किसी सोसाइटी या अपने आसपास या किसी गांव में नीम के पेड़ों का अध्ययन करना या कोई से भी टाइप के जो भी प्रकार के पेड़ हैं उनका अध्ययन करना हो तो वो भी सांख्यिकी के अंतर्गत आ जाएगा। कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का अध्ययन करना, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था कि कोरोना से पीड़ित मरीजों के ठीक होने की दर, उसका अध्ययन करना। तो जो भी अपन आंकड़े एकत्रित करते हैं उनको फिर क्या करेंगे, वर्गों में विभाजित करेंगे। जैसे मैं कोई सा भी एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अपन को आंकड़े मिले उसके अंदर जो भी डेटा मिला उसके अंदर 0 से लेकर 50 तक की संख्या है, ठीक है। तो 0 से लेकर 50 तक की संख्याओं को अपन 5 ग्रुप में विभाजित कर सकते हैं या 10 ग्रुप में भी उसको विभाजित कर सकते हैं। जैसे 0 से 5 मतलब 5-5 का ग्रुप बनाओगे तो 10 ग्रुप बनेगा, 10-10 का ग्रुप बनाओगे तो 5 ग्रुप बनेंगे। तो जैसे अपन बना रहे हैं 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, इस तरह के अपन 5 ग्रुप बनाते हैं, 30 से 40 और 40 से 50। अभी देखो इसमें जैसे 0 से 10 लिखा है
तो इसके अंदर 0 से 9 तक की संख्या आएगी, 10 नंबर इसमें जाएगा, इसमें 10 से 19 तक आएगा और 20 संख्या इसमें जाएगी, 20 से 29 और 30 से 40। 40 में जो 30 से 40 वाला जो भी क्लास लेंथ होगा, जो क्लास इंटरवल होगा, उसमें जो 40 वाली संख्या वो 40 से 50 में काउंट होगी। ओके, तो इसमें जैसे 0 से 10 पहला वर्ग है, तो 0 कहलाती है निम्न सीमा। देखो इधर वाली जो संख्या है ये कहलाती है निम्न सीमा और ये कहलाती है ऊपरी सीमा, ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। ओके, और इन दोनों का अंतर वो होता है क्लास लेंथ, वर्ग लंबाई। जैसे 0 से 10 इसकी वर्ग लंबाई कितनी होगी, 10 होगी। 10 से 20 इसकी वर्ग लंबाई भी 10 होगी। उसके लिए क्या करना है, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को माइनस करना है, मीन्स उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस करो तो क्लास लेंथ, वर्ग लंबाई मिलेगी। ओके, अगर उसकी अपन इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं, 0 से 10 पहला वर्ग अंतराल, 20 से 30 दूसरा वर्ग अंतराल, 20 से ओके, इस तरह का जो ये जो एक ग्रुप है उसको बोलेंगे वर्ग अंतराल। इन दोनों के बीच का अंतर होगी वर्ग लंबाई और लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अगर इसकी मध्य कीमत ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा को प्लस करना है और 2 से भाग लगाना है। जैसे 0 से 10 इसकी मध्य कीमत ज्ञात करना है तो 0 प्लस 10 इन दोनों को जोड़ना है, 0 और 10 को 2 से भाग लगाना है, तो वर्ग जो मध्य कीमत है वो कितनी मिलेगी, 5। जैसे 10 से 20 ये जो वर्ग अंतराल है इसकी मध्य कीमत ज्ञात करना है तो इन दोनों को जोड़ना है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में 2, 10 10 प्लस 20 अपॉन 2 30 बाई 2 इक्वल टू 15, तो ये हो जाएगी उसकी मध्य कीमत। ठीक है, तो इस तरह से इसको एक बार, इसमें जितना भी थियरी है उसको आप अच्छी तरह रीडिंग करो, उससे क्या होगा, नॉलेज इम्प्रूव होगा और जितना नॉलेज इम्प्रूव होगा उतना चैप्टर को आप अच्छी तरह समझ पाओगे। ओके, थैंक यू।